नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरे के बारे में। पिक्सल 8 प्रो का जो जीके में अवेलेबल हो गया है, यहाँ पर हमने रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर गूगल कैमरा 8.8 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। समीम करके डेवलपर की तरफ से ये जो जीकेम का जो बिल्ड है देने को मिलेगा, स्टेबल गूगल कैमरा का जो बिल्ड है। इस तरह से सभी जो फीचर्स है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है लिप पैचर का ऑप्शन है, अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, ऑटो वाइड लेंस, HDR मोड, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस इस जीकेम के साथ हमने जो है ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है। यहाँ पर वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इस जीकेम के साथ जो है आप किस तरह से पिक्सल 8 प्रो का जो कैमरा फीचर है उसे किस तरह से एनेबल कर पाओगे, तो सिंपली आपको इस जीकेम को डाउनलोड करना होगा। इस जीकेम का जो डाउनलोड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस जीकेम को डाउनलोड करने के बाद पहली दफा जब इस जीकेम को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उस परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर मोड सेटिंग्स में जाना होगा। मोड सेटिंग्स में जाने के बाद जो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये पर एडवांस सेटिंग्स में टैप करना होगा। एडवांस सेटिंग्स में टैप करने के बाद यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। डिवाइस इंटरफेस में टैप करना होगा। डिवाइस इंटरफेस में टैप करने के बाद यहाँ पर मेन लेंस का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। यहाँ से आप जो है पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 5, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 है, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो के साथ साथ पिक्सल 7 का जो कैमरा फीचर है उसे भी आप एनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर पिक्सल सबसे पहले पिक्सल 8 को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर पिक्सल 8 को सिलेक्ट किया है मेन लेंस से। उसके बाद जीकेम को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो है पिक्सल 8 सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। प्लस स्पीच एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर सिनेमेटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। इस तरह से आप जो है सिनेमैटिक ब्लर वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर से मोड सेटिंग्स में जाके एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस में जाके, इससे पहले हमने जो है पिक्सल 8 को सिलेक्ट किया है, अभी फिलहाल पिक्सल 8 प्रो को सिलेक्ट करते। पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट करने के बाद भी सिमिलर ऑप्शन देने को मिलेगा। यहाँ पर सिनेमैटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है अवेलेबल होगा। प्लस यहाँ पर जो है 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग एंड स्पीच एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है एनेबल हो गया है। तो अभी फिलहाल पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो जो है रिलीज नहीं हुआ है। पिक्सल 8 एंड 8 प्रो रिलीज होने के बाद जो है नया जो फीचर है उसे ऐड किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको इस तरह से ये सभी जो पिक्सल 7 प्रो का जो फीचर से देने को मिलेगा पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो सिलेक्ट करने के बाद। नाउ यहाँ पर जो है डिवाइस इंटरफेस में जाके जो है पिक्सल 7 को सिलेक्ट करते। पिक्सल 7 को सिलेक्ट करने के बाद जो है देख सकते हो इस तरह से सभी फीचर है। तो यहाँ पर पिक्सल 7 के साथ जो सिनेमैटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर पिक्सल 7 सिलेक्ट करने के बाद जो सिनेमैटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पर हमने जो है SGCAM 8.8 का जो स्टेबल वर्जन 9 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर जो है डिफॉल्ट जूम को फिक्स किया गया है, स्लो मोशन को फिक्स किया गया है, अपर्चर बटन को फिक्स किया गया है। प्लस सैमसंग डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेम में काम कर जाएगा। प्लस टाइम लैप्स मोड भी काम करता है। पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है ऑप्शन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, तभी दोस्तों काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। प्लस एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ ये जो जीकेम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। पर ऑटो नाइट सेट मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन, यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर फोन कैमरे के साथ जो जीकेम जो है क्रैश कर जा रहा था उसे फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर एक्सिनोस डिवाइस के साथ भी काम करते हैं। पर स्नैपड्रैगन प्लस मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सभी जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR फ्रेम सेटिंग्स का ऑप्शन है। या से आप जो है HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम है उसे आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। अगर आप HDR मोड को
मतलब HDR फ्रेम को अगर आप इंक्रीज कर देते हो यहाँ पर जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलता है। उस तरह से आप जो यहाँ पर फ्रंट कैमरा, मेन लेंस, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट मोड के ऊपर जो HDR फ्रेम को इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है, बेसिकली मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस एंड जूम लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो लिप पैचर का ऑप्शन है, बेसिकली लिप पैचर के साथ जो है फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर पाओगे। मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा, यहाँ पर लूमा, क्रोमा, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ISO, ये सभी को आप जो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो लिप पैचर के साथ। एंड मल्टीपल लेंस के साथ जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर नॉइस मॉडल, ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है। एंड इस तरह से नॉइस मॉडल के साथ जो ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है, MI 20 Pro एंड यहाँ पर जो है MI 20 Ultra प्लस, यहाँ पर सैमसंग हो जाए Rebo Note 9S, Poco X3, OnePlus 8 Pro, Rebo Note 7, Rebo Note 9 Pro, Rebo Note 10 Pro, MI 11X, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy M51 एंड यहाँ पर Poco X3, MI Note 10 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Rebo Note 8 Pro, MI 11 Ultra। इस तरह से अलग अलग डिवाइस का ऑप्शन है पर Realme X2 Pro का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है नॉइस मॉडल के साथ। एंड यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 एंड उसी तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर MI 20 Pro, Rebo Note 10 Pro, Rebo Note 7 एंड यहाँ पर Rebo Note 9S, Poco X3, Poco X3 Pro, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है ऑटो एड बैलेंस के साथ। एंड मल्टीपल लेंस के साथ जो ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन है काम करेगा। एंड यहाँ पर जो मैनुअल फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है, व्यू फाइंडर बटन्स का ऑप्शन है, या से आप जो मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो एड बैलेंस बटन, यहाँ पर जो है लिप पैचर, अपर्चर बटन, सैचुरेशन स्लाइडर, अलग अलग बटन्स को एनेबल कर पाओगे। एस्ट्रो नाइट मोड का ऑप्शन है, वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है, वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, कस्टमाइजेशन के ऊपर जो है मोशन फोटोज, फोकस ट्रैकिंग, GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, डिसेबल हेक्सागन DSP का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मैक्सिमम जूम को इंक्रीज कर पाओगे गूगल कैमरे के साथ, HDR रॉ फिक्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस GCam के साथ, प्लस यहाँ पर ऑडियो जूम, वीडियो स्टेबलाइजेशन, सेफ सेल्फी सेस, प्रीव्यू, वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा का जो सपोर्ट है अवेलेबल है, रॉ सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर हमने इस GCam के साथ जो ढेर सारी फोटो को भी क्लिक किया है, अगर बात करें पर फोटो सैंपल के बारे में, इस तरह से इस गूगल कैमरे के साथ जो पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। फोटो के ऊपर जो डिटेलिंग है काफी बढ़िया है, यहाँ पर काफी हद तक जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। पर जो ब्लर है, फोकस है, काफी बढ़िया है, काफी हद तक जो है वाइब्रेंट कलर देने को मिल जाएगा इस GCam के साथ। प्लस काफी हद तक जो है आप यहाँ पर बढ़िया DSLR जैसा फोटो को क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस GCam के साथ। एंड यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 14 सभी एंड्रॉयड वर्जन के साथ ये जो GCam का जो बिल्ड काम करता है। एंड यहाँ पर कलर, शेडो, हाईलाइट सभी के साथ जो है पर इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है जूम करने के बाद भी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस भी काम कर जाएगा, यहाँ पर बेटर कलर विद बेटर डिटेलिंग देने को मिलेगा इस GCam के साथ। एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है काफी कम नॉइस देने को मिलेगा, लेस नॉइस देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस GCam को एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। स्टेबल गूगल कैमरे के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, सभी के लिए आप इस GCam को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर OIS, EIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आप जो है पर एस्ट्रो मोड को यूज कर पाओगे। आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग GCam का जो वीडियो है उस पर आप
चेकआउट करके देख पाओ। डायनेमिक रेंज हो भी काफी बढ़िया देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ, एंड यहाँ पर कोई भी ग्रीन टीन का इश्यू देने को नहीं मिलेगा इस गोल कैमरे के साथ, जिस हमने नोटिस किया है। यहाँ पर आपको बेटर कलर विथ बेटर डिटेलिंग देने को मिलेगा, इवन जूम करने के बाद भी काफी बढ़िया जो है क्वालिटी देने को मिलेगा। देख सकते हो, बट जो फोकस है, ब्लर है, काफी बढ़िया है। आप डेफिनेटली इस जीकेएम को ट्राई करके देखो। इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस जीकेएम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, प्लस फोटो के ऊपर जो नॉइस है काफी जो है कम देने को मिलता है, एंड बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। देख सकते हो हमने ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है इस जीकेएम के साथ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।